अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, थर्मोकेमिस्ट्री का आज हम सेकंड लेक्चर्स पढ़ेंगे। इस लेक्चर्स के अंदर से हमने दो टॉपिक डिस्कस करने हैं। एक टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो हीट और टेम्परेचर के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, उसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और सेकंड टॉपिक के अंदर हम थर्मल केमिकल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। और हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके पास जब भी रिएक्शंस होता है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं हीट की बेस के ऊपर। तो सबसे पहले जो हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास टेम्परेचर्स और हीट के दरमियान डिफरेंस हमारे पास है कि टेम्परेचर्स और हीट के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। तो हमें सबसे पहले जो हम चीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो हीट और टेम्परेचर्स की डेफिनेशन, और उसके साथ इसको फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हीट हम किसको कहते हैं, किसी भी, इसको हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं इससे पहले लेक्चर्स के अंदर, किसी भी दो आपके पास टेम्परेचर के दरमियान डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसको हम हीट कहते हैं। यानी कि हीट के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस किया जाता है। यानी कि दो आपके पास टेम्परेचर्स आपके पास हों और उन टेम्परेचर्स की मैग्नीट्यूड्स में डिफरेंस हो, तब एनर्जी फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो वो जो आपके पास एनर्जी फ्लो करती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। तो फिर टेम्परेचर जो है वो हमारे पास क्या है, टेम्परेचर्स हमारे पास, हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है, आपके पास दो मॉलिक्यूल्स जैसे मौजूद हैं अगर आपके पास, उनकी जो कोलिजन हो रही है, आपस में कोलिजन हो रही है या आपके पास उस कंटेनर से कोलिजन हो रही है, उस तमाम उसकी टोटल एनर्जी की अगर आप एवरेज ले लें तो उससे जो रिजल्ट आता है उसी को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। यानी कि द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर प्रोड्यूस ही काइनेटिक एनर्जी से होता है। जब भी आपके पास काइनेटिक एनर्जी किसी मॉलिक्यूल्स में होगी तभी उसकी कोलिजन होगी, जब कोलिजन होगी तो उसे टेम्परेचर आपके पास प्रोड्यूस होगा। और अगर किसी दो पॉइंट्स के टेम्परेचर के दरमियान का डिफरेंस हो तो उस डिफरेंस को मिनिमाइज करने के लिए या इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, जब आपके पास एक साइड के मॉलिक्यूल दूसरी साइड पर फ्लो करते हैं तो उस फ्लो को आपके पास क्या कहा जाता है, हीट कहा जाता है। तो हमारे पास जो हीट है वो एनर्जी की एक फॉर्म है, जबकि टेम्परेचर्स हम ये नहीं कह सकते कि वो एनर्जी की एक फॉर्म है, बल्कि ये आपके पास मेजर ऑफ आपके पास हीट है, क्योंकि टेम्परेचर्स और हीट एक दूसरे से इंटरलेट करते हैं। कि आपके पास टेम्परेचर का पता ही उसी वक्त चलता है जब आपके पास हीट फ्लो हो रही होती है, इसलिए आपके पास मेजर ऑफ हीट को ही आपके पास क्या कहा जाता है, टेम्परेचर्स आपके पास कहा जाता है। तो ये इनका आपके पास दूसरा आपके पास डिफरेंस आ जाता है। फिर हमारे पास ये है कि जो हीट है उसकी अमाउंट का हमें कैसे पता चलेगा। हमारे पास कहीं पर भी हीट की जो अब्जॉर्बेंस है वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि वहाँ पर पार्टिकल्स की मैग्नीट्यूड कितनी मौजूद है, या पार्टिकल का साइज क्या है, पार्टिकल की मोशन क्या है। यानी कि इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी हीट आपके पास वहाँ पर मौजूद होगी, स्टोर आपके पास होगी, वो उस मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है कि वो मैग्नीट्यूड कितना है कि वो कितनी हीट को ऑब्जर्व कर सकता है, जबकि टेम्परेचर इन फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। इसकी कॉमन एग्जांपल अगर मैं आपको दूं इस तरीके से कि वाटर अगर आपके पास 10 ml हो उसका बॉइलिंग पॉइंट्स भी 100 सेल्सियस होगा, और अगर वाटर आपके पास जो है 1 liter हो तो उसका टेम्परेचर भी 100 सेल्सियस होगा। जबकि हीट आपके पास 10 सेल्सियस में जो ऑब्जर्व होगी वो कम होगी, और जो 1 liter में हीट ऑब्जर्व होगी उसकी अमाउंट आपके पास ज़्यादा होगी। तो इस लिहाज से हमारे पास जो हीट है वो अमाउंट पे डिपेंड करती है, यानी कि अमाउंट्स कितनी है, मास ऑफ पार्टिकल्स कितना है, टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स कौन सा आपके पास है। टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स में हम डिस्कस कर सकते हैं कि ऐसा पार्टिकल है जिसमें वीक फोर्सेस है और एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस मौजूद हैं। जब वो फोर्सेस आपके पास जिसमें मौजूद है वो ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेगा, और जिसमें वीक फोर्सेस है वो कम हीट ऑब्जर्व करेगा, जबकि ये आपके पास फैक्टर जो हैं आपके पास टेम्परेचर को अफेक्ट नहीं करते हैं, टेम्परेचर इन फैक्टर के ऊपर आपके पास डिपेंड नहीं करता। इसके बाद हमारे पास आता है हीट की मेजरमेंट, कि हीट को हम मेजर किससे करते हैं। इसके यूनिट हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, जॉल और कैलोरी हम आपके पास यूज़ करते हैं हीट की मेजरमेंट के लिए, जबकि टेम्परेचर्स का जो बेसिक यूनिट हमारे पास है वो केल्विन है। इसके अलावा सेल्सियस भी हो गया और फारेनहाइट भी आपके पास हो गया, इनको भी हम यूज़ करते हैं आपके पास टेम्परेचर की कैलकुलेशन के अंदर। तो ये हमारे पास एक लिहाज से डिफरेंस आ जाता है हीट एंड
टेम्परेचर का। नेक्स्ट हमारे पास आता है आपके पास थर्मल केमिकल इक्वेशन। जो थर्मल केमिकल इक्वेशन है वो क्या है? थर्मल केमिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें रिएक्टेंट भी हो, प्रोडक्ट भी आपके पास हो, और साथ ही डेल एच में कुछ वैल्यू लिखी हुई हो। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हो, बीच में एरो हो, और उसके साथ डेल एच की वैल्यू कुछ लिखी हो, तो इसको थर्मल इक्वेशन कहते हैं। अब वो जो डेल एच की वैल्यू है वो हमें आपके पास बताती है कि इस रिएक्शंस के अंदर हीट अब्जॉर्ब हुई है या रिलीज हुई है। तो एक लिहाज से हम ये कहते हैं कि ऐसी इक्वेशन जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करे कि हीट कितनी अब्जॉर्ब हो रही है या कितनी रिलीज हो रही है, उसको थर्मल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी कि द इक्वेशंस व्हिच रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल केमिकल इक्वेशन। एक तो ये डेफिनेशन हो जाएगी, यानी कि वो पूरी इक्वेशन जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट में चेंज होने से कितनी हीट अब्जॉर्ब हुई है या कितनी हीट रिलीज हुई है, उस हीट को, उस इक्वेशंस को आपके पास थर्मल केमिकल इक्वेशंस आपके पास कहा जाता है। तो इस तरीके से हम दो तरह से इसको डिफाइन करते हैं। एक तो हम सिंपल कहते हैं कि अमाउंट ऑफ इक्वेशन विच शो द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल केमिकल इक्वेशन। और जो दूसरी डेफिनेशन है वो यही है कि रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में चेंज होता है उसमें जितनी हीट अब्जॉर्ब और रिलीज हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, थर्मल केमिकल इक्वेशंस आपके पास कहेंगे या रिएक्शंस कहा जाएगा। इसकी दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के बेस पर, क्योंकि डेल एच की वैल्यू जब भी आप देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके पास ये चीज़ें आएंगी कि डेल एच की वैल्यू या तो नेगेटिव में होती है या फिर आपके पास पॉजिटिव में आपके पास होती है। तो इस बेस पर दो इसकी टाइप्स हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपल इसकी डेफिनेशंस हम डिस्कस करेंगे और आपके पास साइन डिस्कस करेंगे। इसकी जो इक्वेशंस हमारे पास हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके पास उसको डिस्कस करेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट जो है आपके पास सराउंडिंग में, सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर हो रही हो, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। यानी कि एक आपके पास सिस्टम है, अगर आपने एक फॉर एग्जांपल एक बीकर लिया, उसमें आपने हॉट वाटर पुट कर दिया और उसको आपने रख दिया, तो आप देखेंगे कि उसका एटमॉस्फेयर जो है, वही जो बीकर है या उसके एटमॉस्फेयर में आपके पास हीट मौजूद होगी जो कि उस सिस्टम से बाहर निकल रही होगी, उसकी बाउंड्री से बाहर निकल रही होगी। तो किसी सिस्टम से हीट का बाहर निकलना आपके पास सराउंडिंग में जाने को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यानी कि द रिएक्शंस इन विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसको आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है जिसमें हीट इवॉल्व होती है, सिस्टम की तरफ जाती है। तो हमारे पास जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जांपल्स अगर आप देखें तो हमारे पास डेली लाइफ में आपके पास अक्सर रिएक्शंस आपके पास जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। यानी कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स आपके पास हो गया, जितनी भी टाइप्स के फ्यूल्स हैं आपके पास जब भी बर्न होते हैं वो हीट को आपके पास रिलीज करते हैं। तो हमारे पास जो है गैसोलीन आपके पास, कोल, वुड्स वगैरह, ये हमारे पास एक्सोथर्मिक, इनका जो बर्निंग का प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक में क्योंकि हीट सिस्टम से बाहर आती है, यानी कि हीट सिस्टम में से माइनस हो जाती है, इसलिए डेल एच की वैल्यू आपके पास क्या होगी, नेगेटिव आपके पास होगी, क्योंकि आपके पास हीट फ्लो करेगी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ, इसलिए आपके पास इस प्रोसेस के अंदर जो आपके पास टेम्परेचर है, जो हीट है, वो सिस्टम की आपके पास डिक्रीज होना शुरू आपके पास हो जाती है। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड इज इंडिकेटेड बाय एच विद नेगेटिव साइन बिकॉज हीट फ्लो फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग, सराउंडिंग की तरफ आपके पास जो है हीट फ्लो कर रही होती है। आपके पास जो मौजूद है वो है एंडोथर्मिक आपके पास रिएक्शन, अपोजिट है, सिस्टम हीट को अब्जॉर्ब करे। इसकी कॉमन एग्जाम्पल जो आपके पास यहाँ पे भी मौजूद है, फोटोसिंथेसिस, प्लांट जो हैं वो हीट को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको एक केमिकल में चेंज कर देते हैं। यानी कि आपके पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ऑर्गेनिक में चेंज करने के लिए वो हीट को क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आपके पास वो जो हीट थी, वो जो एनर्जी थी, वो आपके पास फूड की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो ये एक लिहाज से क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो गया। या आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं जब वो प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं तो वो आपके पास उसका प्रोडक्ट में चेंज होना उसी वक्त पॉसिबल होता है जब वो हीट को अब्जॉर्ब करें। अगर वो हीट को ऑब्जर्व करके प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो हमारे पास मौजूद होगा आपके पास। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन की जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो आपके पास फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस लाइट की मौजूदगी में ही आपके पास प्लांट में पॉसिबल होती है। तो वो हीट को आपके पास ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जब हीट ऑब्जर्व हो रही है मतलब सिस्टम में हीट एड हो रही है, इसलिए डेल एच की वैल्यू आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव आपके पास होगी, क्योंकि इसमें आपके पास जो हीट है वो सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है। फोटोसिंथेसिस का आपके पास फिनोमना मेसोफिल सेल में आपके पास हो रहा है, क्लोरोफिल में आपके पास हो रहा है, क्लोरोफिल एक आपके पास सिस्टम है, और
आपके पास जो एटमॉस्फेयर है, जो उसका जो उसकी सराउंडिंग है, वहां से हीट क्लोरोफिल में इंटर हो रही है, तो सिस्टम में हीट फ्लो कर रही है। सराउंडिंग से सिस्टम में फ्लो होना आपके पास जो खिलाता है वो हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसकी केमिकल इक्वेशन इंशाल्लाह आपके पास नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर के हवाले से अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।